करेंगे अब दूसरी बड़ी खबरों की ओर, जहां पर मोदी सरकार ने दी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से बड़ी राहत और सरकार ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट में और क्या फैसले लिए गए हैं, हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियादर्शी तमाम डिटेल्स आपको दे रहे हैं। देखिए, कैबिनेट की बैठक में आज दो अहम फैसले हुए हैं। जो पहला फैसला है वो जो है वो केंद्रीय कर्मचारियों से संबंधित है, उसके पेंशनर से संबंधित है, जिसमें सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो महंगाई भत्ता है, जो डीए है और जो डीआर है, उसमें 3% की बढ़ोतरी की जाएगी। मतलब ये अब 31% से बढ़कर 34% हो जाएगा और बढ़ा हुआ जो डीए और डीआर है वो कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से मिलेगा। इस फैसले से सरकार के ऊपर करीब 9,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। जो दूसरा अहम फैसला लिया गया है वो मेगा पावर पॉलिसी 2009 में अमेंडमेंट से संबंधित है, जिसको सरकार ने मंजूरी दी है। और नए अमेंडमेंट्स के हिसाब से अब ये हो गया है कि जो डेवलपर्स हैं, जो कि मेगा पावर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, उनके लिए मेगा सर्टिफिकेट्स सौंपने की जो मियाद है उसमें 36 महीने की बढ़ोतरी कर दी गई है। मतलब ये 120 महीने से बढ़कर अब 156 महीने हो गया है। इसका मतलब ये है कि टैक्स अथॉरिटीज को ये जो सर्टिफिकेट्स है वो डेवलपर्स सौंप सकते हैं, टैक्स क्लेम कर सकते हैं अपने इम्पोर्ट पर। और साथ ही साथ इसका एक और अहम फायदा ये होगा कि जो फ्यूचर पीपीएस हैं, जिसको कि पावर परचेज एग्रीमेंट कहते हैं, उसमें जो डेवलपर्स हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इससे इन कंपनियों के लिए लिक्विडिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये तो सबसे बड़ा फायदा होगा, जिससे इन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जा सकेगा, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स कमीशनड हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स पार्शियली कमीशनड हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स जो है स्ट्रेस्ड एसेट के तौर पर कंसिडर किए जा रहे हैं। ये दो अहम फैसले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हाइड्रोजन